जहां एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में लिया गया, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी को एक छोटी राहत की सांस भी मिली। इस राहत की सांस का नाम था संजय सिंह। दरअसल 181 दिनों की हिरासत के बाद संजय सिंह को जमानत मिल गई, जिस पर ईडी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई, जिसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। संजय सिंह को जमानत तो मिल गई, लेकिन मंगलवार को वो बाहर नहीं आ सके। संजय सिंह को दरअसल लीवर में कुछ शिकायत थी, जिसके लिए डॉक्टरों ने कुछ जांच करने के लिए कहा था, इसलिए वो अस्पताल में है। डॉक्टर जब अस्पताल से जाने की इजाजत देंगे, तभी संजय सिंह तिहाड़ जेल वापस जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश आ चुका है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हमने ईडी की ओर से दायर केस की मेरिट पर अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की है। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने बयान दिया है कि संजय सिंह को अगर जमानत दी जाती है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। इसके मद्देनजर संजय सिंह को जमानत दी जा रही है। कोर्ट ने साफ किया है कि संजय सिंह को मिली राहत को नजीर की तरह ना समझा जाए। ये वाक्य लिखने का सीधा और साफ मतलब यही है कि इस आदेश के आधार पर दूसरा आरोपी ऐसी ही राहत का दावा नहीं कर सकता। संजय सिंह के वकील ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि वो इस केस में अपनी भूमिका को लेकर जमानत पर रहने के दौरान कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उधर संजय सिंह का बेल ऑर्डर भी मंगलवार शाम तक तिहाड़ जेल नहीं पहुंचा था। अब सवाल उठता है कि क्या संजय सिंह की जमानत से केजरीवाल सिसोदिया को भी राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि संजय सिंह को दी गई जमानत को नजीर के तौर पर नहीं लिया जाएगा। इसका आशय हुआ कि जमानत आदेश से अरविंद केजरीवाल समेत जेल में बंद अन्य आप नेताओं को ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है। पीठ ने इससे पहले सुबह के सत्र में राजू से इस बारे में निर्देश प्राप्त करने को कहा था। सिंह की और हिरासत की जरूरत है, इसके बाद उन्होंने संजय सिंह की जमानत का विरोध भी नहीं किया। लोकसभा चुनाव से पहले संजय सिंह तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन केजरीवाल और सिसोदिया को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं आपको बता दें, उधर फरवरी 2023 से मनीष सिसोदिया भी जेल में है, उन्हें भी राहत मिलने का इंतजार है। वो कई बार बेल की अर्जी डाल चुके हैं, लेकिन बार बार खारिज हो जाती है। अब की बार सिसोदिया की बेल अर्जी में वकील ने कहा है कि जांच एजेंसी ये साबित नहीं कर पाई है कि पैसा सिसोदिया तक पहुंचा है। मुकदमे के ट्रायल में देरी के लिए सिसोदिया जिम्मेदार नहीं है। सिसोदिया की तरफ से कहा गया है कि अब वो प्रभावशाली भी नहीं है, डिप्टी सीएम भी नहीं है। 6 अप्रैल को उनकी याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपना जवाब दाखिल किया है। केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी घोटाले के किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता हैं। ईडी ने अपने जवाब में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए आबकारी नीति 2021-22 तैयार करने की साजिश में शामिल है और उक्त नीति में लाभ देने के बदले में शराब व्यवसायियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। अरविंद केजरीवाल ने इन पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के लिए गोवा चुनाव अभियान में किया। वहीं ईडी ने अपनी ओर से दाखिल जवाब में ये भी कहा है कि साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए इस शराब नीति का मसौदा तैयार किया गया था और इसका गठन विजय नायर, मनीष सिसोदिया और साउथ ग्रुप के सदस्य प्रतिनिधियों की मिलीभगत से किया गया है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।